सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये वाला सही है मुझे। कौन सा वाला? पहले तो बड़ा 300 रुपये का छोड़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खुश और तंदुरुस्त होंगे आई होप, और अच्छे ही हों आप लोग। सो मैं कहाँ घूमती इतने दिनों से और मैं कुछ वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली मेरी जो तबीयत है ना वो अप डाउन हो रही, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी और थोड़े फैमिली इशूज़ वगैरह थे, तो इस वजह से वीडियो तो मैं बना रही थी लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही थी और ना एडिट कर पा रही थी। तो ये वीडियो बेबी की शॉपिंग करने गए थे, इसका बेबी जो हुआ था उसके लिए थोड़ा सामान लेने गई थी। तो जीजू और मैं गए थे, और ये जो मॉल है छोटा सा स्टोर है काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे हम सामान ले रहे हैं जॉनसन बेबी का। ये सोप ले रहे हैं और फिटर्स वगैरह और दो तीन चीज़ें हमने और कुछ ली थी, और बच्चों के साथ तो ये चलता ही रहता है। और सिस्टर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए जीजू मुझे लेके चले गए थे। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि आप कहाँ घूमो, तो उन लोगों को मैं बता दूँ थैंक्स कि आप लोगों ने कमेंट किए और पूछा। बस मैं यही नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वहाँ लगी हुई थी और घर में थोड़ी बिजी थी। अब आई इंशाल्लाह आगे मैं सही तरीके से वीडियो वगैरह बनाऊँगी। और ये जो बेबी सोप मैंने आप लोगों को बताया, ये जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी चीज़ें सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं बेबी पाउडर है, जॉनसन्स बेबी का टेलकॉम पाउडर, ये भी काफ़ी अच्छा होता है और मैं ये यूज़ करती हूँ। एक ये वाला यूज़ करती हूँ और एक पॉन्ड्स का पाउडर जो है वो वाला यूज़ करती हूँ, दोनों ही ज़्यादा अच्छे हैं। और विंटर के अंदर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोशन है जॉनसन्स बेबी के, सारे जो प्रोडक्ट है ना वो आप बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जो देखना चाहते हैं मुझे, जिनका व्लॉग देखना चाहते हैं या ब्यूटी टिप्स के लिए कोई क्रीम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस मॉल के मैं बात करूँ, मॉल बोल रही हूँ, स्टोर है छोटा सा, सो काफ़ी अच्छा है यहाँ का जो स्टाफ है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कराची के कुरंगी इलाके में रहते हैं तो यहाँ का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का अच्छा है, मज़ा आता है यहाँ पे। और छोटा सा है और लेकिन सामान बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है और सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो ये और घर के पास हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्प मिलती है इससे। सो यहाँ पे और सामान मैं देख रही थी, यहाँ हम आते जाते रहते हैं और जब स्टाफ अच्छा हो तो काफ़ी मज़ा आता है। और बस पहले भी मैंने इस जगह की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने वो उनके लिए कमेंट भी किया था, काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ पर ये देखने के बाद हानिया के लिए हम खिलौने देख रहे थे। यहाँ पे स्टेशनरी का सामान है, यहाँ पर सारे किड्स के प्रोडक्ट हैं और टॉयज़ वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हानिया के लिए हमने एक खिलौना देखा था, तो फिर भाई जो थे उसको चेक करके देख रहे थे क्योंकि लाइटिंग नहीं चल रही थी, ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने चेक करके देख लिया था, वरना मैं कह रही थी कि ऐसे ही ले लें, लेकिन भाई जो थे उन्होंने कहा कि हम चेक करके लेते हैं तो लाइट जलेगी इसके अंदर या नहीं जलती। अगर मैं होती ना तो मैं बेवकूफ़ी करती, सीरियसली मैं ले लेती हूँ ऐसी ना बिना चेक किए चीज़ें, लेकिन भाई ने कहा नहीं चेक करना चाहिए, चेक कर लेते हैं हम। फिर यहाँ पर शूज़ मिले थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे लेकिन हमने शूज़ नहीं लिए थे। उसके बाद ये सारा सामान है, और स्टोर के बाद हम बुध बाज़ार गए थे, वेनसडे बाज़ार, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह ली थी और सारा सामान जो था बस मैंने यही लिया था। तो मिलूंगी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।